से करना चाहूँगा, अगर मैं तमाशा की बात करूँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर ब्रिलियंट एक्टर, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, उनकी एक्टिंग को लेकर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यही रोक क्यों चाहिए थे आप? जब आप कास्टिंग करते हैं ना, तो आप एक एक की कास्टिंग करते हैं, आप कभी ऐसे नहीं जाते कि मैं दो को कास्ट साथ में कर दूँ। आई नेवर थिंक ऑफ पेयर्स। मैंने देखा कि ये जो कैरेक्टर है वेद का, उसके लिए रणबीर सूटेबल है, और जो दीपिका है वो बहुत सूटेड है तारा के लिए, तो उस तरह से अलग अलग इनकी कास्टिंग की। ओके, अगर मैं प्रेम कहानियों की बात करूँ, आपने एक नई परिभाषा दी है, चाहे वो जब भी बेट हो, चाहे वो रॉकस्टार हो, रॉकस्टार जैसी फिल्म देखने बहुत अपीलिंग लगी लोगों को, एक अलग तरह का प्रेम देखने को मिला। तमाशा की मैं अगर बात करूँ, किस तरह का प्रेम होगा? ये उस तरह का प्रेम है तमाशा में, उस तरह का प्रेम है जो प्रेम एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, जो एक साधारण व्यक्ति को कलाकार बनाता है। ये इस तरह का प्रेम है, ये इस तरह का टच है जिससे आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी में औरत क्यों ज़रूरी होती है, और वो किस तरह से आपको उस जर्नी पे ले जाती है जिससे आप खुद को पहचान सके। कुछ रियल लाइफ रेफरेंस भी आपने उठाए, जैसे आपने कहा कि एक औरत बताती है आपको, जी, एक अलग सफर पे ले जाती है, क्या कहीं निजी जिंदगी से भी कुछ खाया है? निजी जिंदगी में जो ख्यालात होते हैं, जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं, वही आपको कहानी सजेस्ट करते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कहानी आप दिखा रहे हैं वो दरअसल पूरी तरह से निजी ज़िंदगी पर बेस्ड हो। तो मेरे ख्याल से कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, जो आप तमाशा में देख सकते हैं, मगर पूरे तौर पे ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर ऑटोबायोग्राफिकल है। तमाशा टाइटल देने की कोई खास वजह? तमाशा टाइटल मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी फिल्म का टाइटल पसंद है, बिकॉज हर तरह से ये फिल्म ये टाइटल इस फिल्म से सूटेबल है। पहली बार तो तमाशा का मतलब जो होता है वो होता है एक स्पेक्टिकल, एक नज़ारा, या कह लीजिए एक शो जिसको आप देखते हैं, जो जिसको देख के आपको मज़ा आता है। तो दूसरी बात ये कि तमाशा अक्सर स्टेज से रिलेटेड होता है, इसमें भी स्टेज से बहुत लेना देना है इस फिल्म को, जैसा कि आप देखेंगे अल्टीमेटली वो जो मैं कह रहा था कि आर्टिस्ट है वो स्टेज पर अपनी कहानियाँ कहता है, तो उसीलिए तमाशा हर तरह से सूटेबल था, और मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा कि किसी तरह से तमाशा टाइटल अब तक ऐसा एक टाइटल है जिस पर फिल्म बनी नहीं है, जो कि बहुत एक रेयर बात है। ओके, वैद की मैं बात करूँ, रणबीर कपूर की बात करूँ, मैं तारा की बात करूँ, पहले दिन द वेरी फर्स्ट शॉट और द वेरी फर्स्ट सीन यू शॉट विद हिम, क्या ब्रीफ था आपका दोनों को? पहले तो उनको कहानियाँ पता थी, दोनों रणबीर और दीपिका को कहानी फिल्म की पता थी, उसके कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर की कहानी, उसकी बैक स्टोरी, क्या ज़िंदगी रही होगी, सारी चीज़ों की डिस्कशन हो गई थी। हमने कई सारे सीन्स इधर वर्कआउट भी कर लिए थे इसी कमरे में, ऐसे इम्प्रोवाइजेशन, स्क्रिप्ट रीडिंग, उस तरह से हम हर तरह से तैयारी भी की हुई थी। पहला जो शॉट था पूरी फिल्म का, जो पहला शॉट जो था वो दोनों रणबीर और दीपिका दोनों के साथ था कॉर्सिका में, एंड बस कुछ नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर वो हम लोगों ने डिस्कशन फिर से किया, उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, और पता नहीं मुझे मैंने क्या कहा या उनने क्या पूछा, इट जस्ट फ्लोड लाइक दैट। आसानी से कह जाते हैं चीज़ें, अगर गाने भी अगर हम देखते हैं आपकी फिल्म तो वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं, और चाहे मैं वक्त वक्त की बात करूँ या तुम जो ना होते, तो ये में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका, क्योंकि मेरे पूछने के पीछे रीज़न है, अगर आप वो गाना देखें जहाँ अगर तुम जो गाना है दीपिका साथ हो, उसमें मोहब्बत नज़र आती है कि ये एकदम टाइट पकड़ रखा है रणबीर को, रणबीर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत दिख रही है, यू नो वो क्या कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका, और वो लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा होता होगा, ऐसा हो सकता है? मुझे गाना शूट करना बहुत पसंद है, और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कभी ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें गाने ना हो, मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे गाने शूट करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। इनफैक्ट इस फिल्म में 7 गाने हैं जो पिक्चर में दिखते हैं, उसमें कोरियोग्राफर सिर्फ 2 गानों में, बाकी हम लोगों ने अपने से ही किया है। कई बार ऐसे डांस भी हैं जो इन लोगों ने खुद ही किया है, खास करके रणबीर ने बहुत सारी चीज़ें खुद ही की हैं, हम लोगों ने आपस में वर्कआउट किया है,
एक्चुअली मैं इसको मजाक में कहता था रणबीर को कि इस फिल्म में तो तुमको कोरियोग्राफर का भी टाइटल मिलना चाहिए और मुझे भी, तो मुझे मज़ा बहुत आता है। मगर मैं चाहता हूँ कि गाने जो हैं ना फिल्म में, वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो, देखिए अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें हम कुछ बोलते नहीं हैं मगर वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, और तो यहाँ पे स्कोप होता है गाने का। तो मैं गाने बहुत एंजॉय करता हूँ अपनी फिल्मों में। अगर तुम साथ हो, खास करके वो जिस सीन का मैंने जिक्र किया जहाँ दीपिका ने बहुत जोर टाइट करके पकड़ रखा है रणबीर को, एक खासियत थी उस सीन की, एक खासियत है मैं आपको बताता हूँ पूरा जो वो सिचुएशन था उसमें क्या था। मैंने दीपिका और रणबीर को कम से कम चीज़ें बताई थी, आप कह लीजिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट था। मैंने कहा कि बहुत कम चीज़ें बताई मैंने, ये ऐसे ऐसे ये सीन होता है, सीन के बाद ये गाना शुरू होगा। चार पांच चीज़ें बताई थी कि ये टेबल है, वो छुड़ा के यहाँ आएगा, ऐसे बैठोगे, फिर वो आके ऐसे बैठेगी, फिर तुम इधर देखोगे और फिर वैसे, और उसके बाद फिर तुम उठ के चले जाओगे। कब, कैसे, कितनी देर के बाद, ये कोई कुछ नहीं बताया था। मैंने बोला था अब तुम लोग जो करोगे वो मैं देखूँगा और फॉलो करूँगा। फिर मैंने देखा कि वो ऐसे कर रहा है तो मैंने बोला एक सेकेंड, तो अभी शॉर्ट ये होगा। ये नहीं था कि मैंने शॉर्ट पहले से डिसाइड किए हुए थे, यूजुअली उल्टा होता है। तो उस गाने में आप समझ लीजिए कि मैं रणबीर और दीपिका को फॉलो कर रहा था। ओके, मैं वक्त पे आता हूँ। वक्त के बारे में बात करूँ, एक एक्टर जो उसमें रॉक स्टार टाइप है और ये रिंग वगैरह लगा रखी है आपने, और हंसी ओबामा का रिश्ता था, छोटा सा रोल था, बहुत अच्छा किया था, उनको भी लेना है कि क्योंकि आप यू नो म्यूजिक एक अलग तरह का है और फिर पिक्चराइजेशन भी आप जितना करते हैं कहाँ से सोचते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि आप, मैंने दुनिया में बहुत जगह ट्रैवल किया है, मैंने हर सतह के लोग से मुलाकात की है। मुझे लगता है कि कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं ना जो हर आदमी में कॉमन होती हैं। जो शहर में रह रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक मैकेनिकल ज़िंदगी में फंसा हुआ इंसान समझता है। कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं हालात की जो हर इंसान के साथ होती हैं, चाहे वो और वही मैं दिखाना चाह रहा था। ये जो कैरेक्टर है जो इश्तियाक ने प्ले किया, जो वत वत गाता है, वो एक रिक्शा वाला है, उसकी कहानी वेद की कहानी से इतनी ज़्यादा मिलती है, हालांकि वो लोग अलग अलग लेवल के लोग हैं। और आप रिक्शे वाले से हमेशा बात करते हैं और वो आपको अपनी कहानी हमेशा सुनाता है। आपको अक्सर, मुझे लगा है ज़ाती ज़िंदगी में कई बार लग चुका है कि यार मैं जो एक्चुअली सोचता हूँ मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, बट ये जो रिक्शे वाला, आपको पता होगा मैं रिक्शे में बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो रिक्शे वाले से जब बात, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, वो अपनी बात बताता रहता है। बट मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी से कितनी करीब है इसकी ज़िंदगी। तो फिर उसको मैंने इश्तियाक को कास्ट किया। एक्चुअली वो एक कारण बनता है इस फिल्म में वेद की कहानी को आगे बढ़ाने का। और जैसे कि ये रिक्शा वाला है और ये मजबूरी में रिक्शा चलाता है क्योंकि बड़े शहर में कीमतें बड़ी होती हैं, बच्चे हैं, पालना है, सारा कुछ है। मगर उसको बनना था सिंगर, और एक समय था जब वो इलाहाबाद में रहता था जब वो गाने गाता था, तो उसकी मेमोरी में वो गाना है बतवर। ओके, मैं शायद अभी रिपीटिंग मैसेज, जिस तरह के किरदारों का चुनाव आप करते हैं, अगर मैं रॉकस्टार की बात करूँ, रणबीर की जो भाभी बनी थी, रणबीर की जो भाई बने थे, भाई बता कब करेगा मुहूर्त निकालने क्या, हाईवे की मैं बात करूँ जहाँ पे वो संदीप हुडा का जो हेड रहता है वो आके कहता है भाई भाटी ये बात तो रह जाएगी, वो इतने अच्छा डायलॉग था, इतनी डिटेलिंग कैसे कैसे करते हैं रणबीर और इम्तियाज आप, मतलब और फिर उसके बाद वो किरदारों को देखना बड़ा मुश्किल होता है, वो नजर भी नहीं आता। जी 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 जी, वो फिर बाद में आप उन्हें ढूंढने या किसी और फिल्म का हिस्सा बनते हुए देखें वो भी नहीं होता है। और लेकिन हाँ, वो जितने वक्त के लिए भी रहते हैं, भले से थोड़े से वक्त रहें, छाप छोड़ जाते हैं इसमें कुछ चीज़ें। एक तो क्या है कि मुझे हर आदमी इक्वली होता है मेरे हिसाब से, कहानी हो सकता है कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर की हो, पर ऐसा नहीं है कि इश्तियाक का जो कैरेक्टर है वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं होना चाहिए, उसको पूरा होना। दूसरी बात क्या है कि मैं थिएटर का हूँ तो इंटरैक्टिव तरीके से सीन्स बनाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हीरो है उसका क्लोजअप है और बाकी सारे लोग मैटर नहीं करते, उस तरह से मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो कास्टिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मैं चाहता हूँ कि रियल जो उस मुझे ये एहसास दिला सकें कि ये दरअसल हो रहा है।
उस तरह के एक्टर्स हों, उस लेवल की एक्टिंग हो। आजकल कास्टिंग जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। पहले डायरेक्टर की टीम को ही कास्टिंग करनी पड़ती थी हम लोग खुद ही, बट अब क्या है मुकेश छाबड़ा की वजह से जो इस फिल्म के और लव आजकल के वक्त से मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से मुझे बहुत आसानी होती है ऐसे एक्टर्स को चुनने में और वहाँ तक पहुँचने में जो शायद बॉम्बे आए ही नहीं है कभी, मगर हम उन तक पहुँच सकते हैं, हम वो माध्यम भी बन सकते हैं कि अच्छे एक्टर्स जो हैं वो यहाँ आ जाएं। आप तमाशा में देखिएगा, जैसे आपने हेमंत महोर की बात की जो जो कहते हैं कि ये बात तो रह जाएगी भाटी, तो या आपने उसके पहले रॉकस्टार में वो बात की थी, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं ये लोग। बाद में मतलब उनमें से कई एक्टर्स ने बाद में भी एक्टिंग की, भाभी हों या वो जो बड़े भाई हैं जयदीप ने अनुराग की फिल्म में बहुत बड़ा रोल किया था। तो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू मुकेश जो बाहर से जाकर के ऐसे लोगों को लाता है। और इस फिल्म में तमाशा में आपको देखने में आएंगे ऐसे कई सारे पार्ट्स। अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ आपकी बात सुन के कि आप खुद देखिएगा, पर्सनली ज़ाती तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि शिमला में हम लोगों ने एक बहुत सारे सीन्स किए ना, बहुत बड़ा पार्ट है शिमला में, कॉर्सिका में, वहाँ के एक्टर्स के साथ, शिमला में भी नहीं शिमला से भी छोटी जगहों के एक्टर्स के साथ, हमारे में राम सीता है, सीता जो हैं वो एक वो सीता नौटंकी में प्ले करती है मनाली की रामलीला में, और जो राम है वो जो यहाँ पे शिमला में जो रामलीला होता है उसमें राम प्ले करता है। सो ये वाले एक्टर्स हैं जिन्होंने, रावण जो है वो भी शिमला के हैं। सो ये बहुत 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 कास्टिंग, तो शिमला में जा के वहाँ रह करके इन लोगों ने कास्टिंग की है, फिर मैं जा करके वहाँ मिल करके लोगों को फाइनलाइज किया है। कॉर्सिका में भी यही किया हमने, अलग अलग जगह में इस तरह से किया है। ओके, मीरा जो किरदार निभाया था दीपिका ने बहुत वक्त पहले, शायद की फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, कॉकटेल में, कितना कितना ग्रो किया है उन्होंने एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल? बहुत ज़्यादा ग्रो किया है मेरे ख्याल से। दीपिका की एक शाइनेस थी, वो बहुत शाई है एज ए पर्सन, वो शाइनेस पहले उसकी एक्टिंग में भी आती थी, उसके कॉन्फिडेंस को कम करती थी। अब वो शाइनेस उसकी ज़िंदगी में तो है मगर उसकी एक्टिंग में नहीं होती। ओके, रणबीर कपूर रॉकस्टार के बाद, और क्या कहना चाहेंगे आप रणबीर के बारे में, और रणबीर कितना सरप्राइज करेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को, क्रिटिक को? मैं रणबीर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा जानवर है, ये एक अलग रेस का घोड़ा है, इसके जो हाइज एंड लोज होते हैं ना ये अलग, इसके रिदम अलग है, ये ट्रू एक्टर है। तो ये अक्सर उस रेस में होता ही नहीं है जिस रेस में लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि रणबीर इस फिल्म में, उसने मेरे हिसाब से रॉकस्टार से ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोल किया है, रॉकस्टार से ज़्यादा मल्टी लेयर्ड रोल किया है और यूनिक रोल किया है, जो कि जिससे आप रिलेट तो कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, मैं सारा फील कर सकता हूँ कि ये जो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, येट एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग इट सो नाइसली दैट ही इज़ मूविंग मी। सो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रणबीर के रोल की वजह से इस फिल्म में, मुझे बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन भी है कि लोग जब उसको देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। तमाशा के अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ, जी जी, मैं थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ या मेरे को ट्रेलर या प्रोमो एज एन इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाता है ट्रेलर या प्रोमो कि एक शख्स किसी से प्यार तो करता है लेकिन उसका अपने किसी एक काम को लेके या किसी एक पैशन को लेके एक अलग जुनून है, तो उसमें ही उससे मोहब्बत करता चला जाता है और वही तमाशा हो। अच्छा, इज इट ट्रू? नहीं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरी तरह से मुझे लगता है कि अगर आप इसी ट्रेलर को देखिए जब तमाशा फिल्म हम बना रहे थे ना, तो हमें उस वक्त बनाते हुए भी मालूम था कि ये फिल्म जो है ना, इसका ट्रेलर बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो फिल्म की कहानी ऐसी है। क्या होता है ना कि कभी कभी एक लड़की एक लड़के से प्यार करने लगती है, मगर वो जिससे प्यार करती है ना वो उसके अंदर का इंसान है,
बाहर से वो कुछ और है, तो जो उसकी उसकी जो बाहर का जो रवैया होता है ये उसको नहीं पसंद आता। वो कहती है कि तुम वो क्यों नहीं हो जो मैं समझती हूँ कि तुम हो, जो तुम्हारे अंदर मुझे दिखता है। मगर उसको बनने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में जितने चेन्स लगी हुई हैं, जितने आप हिपोक्रेसी में फंसे हुए, सबको तोड़ के निकलना पड़ेगा।